ओके okay. ये तो हमको पता चल गया कि सेकेंडरी ग्रोथ होता है कैम्बियम की वजह से और ये भी पता चल गया कि जाइलम फॉर्मेशन फॉर्मेशन इज़ मोर देन फॉर्मेशन। अब एक और डिफरेंस है क्या डिफरेंस है कैम्बियम की जो एक्टिविटी है कैम्बियम की एक्टिविटी हर मौसम में सेम नहीं होती है कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है तो कहाँ पे कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा है देखो

ओके okay. तो स्प्रिंग सीजन में क्या हुआ स्प्रिंग सीजन में एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज मोर इट इज वेरी एक्टिव तो क्योंकि कैम्बियम बहुत एक्टिव है इट विल प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट्स विच आर हैविंग लॉट ऑफ सेकेंडरी जाइलम अब यहां पे जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है इट इज हैविंग वाइडर कैविटीज तो कैसा सेकेंडरी जाइलम बन रहा है ऐसा सेकेंडरी जाइलम बन रहा है ठीक है वाइड ल्यूमन वाला वाइड कैविटीज वाला ओके okay? तो ये वाला जो वुड बनेगा मैंने आपको बताया ना वुड कैसे बोलोगे सपोज ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम है अब मैं एक काम करती हूँ पिंक कलर से केम्बियम रिंग बना लेती हूँ ये आपका केम्बियम है तो जितना भी सेकेंडरी जाइलम बना है अंदर तक उसको आप क्या बोलोगे वुड बोलोगे और बोलो मैम स्लाइड नहीं दिख रही है मतलब स्प्रिंग वुड वाली दिख रही है लेकिन आप जिधर लाइन कर रहे हो ना वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिख रहा मतलब मैं कर रही वो नहीं दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा रहा है है ड्रॉइंग ओके देखो बेटा फिर से ज्वाइन करो अगर नहीं दिख रहा है तो या तो थोड़ी देर में दिखने लगेगा तो मैं आपको ये बता रही थी कि स्प्रिंग सीजन में जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा इट विल हैव वाइड ल्यूमन वाइड कैविटी तो अब क्या हुआ मैंने आपको बताया कि अगर ये पिंक वाला केम्बियम था तो अंदर जो भी बना वो क्या था वुड था, और बाहर जो भी बना वो क्या था कॉर्क था। तो यहाँ पे जो वुड बना उसको आप बोलोगे स्प्रिंग वुड या तो अर्ली वुड। क्या बोलोगे इसको स्प्रिंगवुड या तो अर्लीवुड अर्लीवुड या स्प्रिंगवुड कैसा होता है जिसके जायलम में बहुत बड़ी बड़ी कैविटीज हैं वैसा होता है ऐसा वुड क्यों प्रोड्यूस हुआ क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी इज मोर इतना क्लियर है आपको यस सॉरी ओके अब विंटर में क्या हुआ देखो विंटर yeah, yeah, में कैम्बियम की एक्टिविटी इज लेस तो उसने कैसे बनाए विंटर ओहो समबडी हैज कम एक मिनट ओके सो विंटर में एक्टिविटी कैसी है विंटर में एक्टिविटी इज लेस तो अब जो जाइलम बने वो कैसे बने नैरो छोटे -छोटे थे तो अब सपोज ये अगेन आई एम ड्रॉइंग ये हो गया आपका टीएस ब्लू कलर से मैं बना देती हूँ कैम्बियम तो अब जो अंदर की तरफ जाइलम बना ना वो ऐसा बना छोटा, छोटा 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 बना तो ये जो जाइलम है दिस विल बी डार्क इन कलर तो कलर की बात तो मैं बाद में करती हूँ पर इसका ल्यूमन कैसा होगा इसका ल्यूमन होगा तो इसको आप क्या बोलोगे इसको आप ऑटम वुड या तो लेट वुड बोलोगे तो आपको समझ में आया मतलब स्प्रिंग वुड का और ऑटम वुड का यस और नो फिर से सम... हाँ फिर से समझाऊ या क्लियर है Yeah, it will form few xylem element because the activity is less. So, they are few in number and also they are narrow. Yahape activity is more. So, they are large in number and their cavities are also wider. Clear? Yes, ma'am. ओके okay. तो इसको बोलेंगे स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड अब क्या होगा ये जो स्प्रिंग वुड है क्योंकि बहुत सारा जाइलम बना बड़ी बड़ी कैविटीज वाला जाइलम बना तो ये कैसा है दिस इज लाइटर इन कलर कैसा है लाइटर इन कलर पर जो ऑटम वुड बना वो कैसा है डार्कर इन कलर अब ये वाला जो स्प्रिंग वुड है उसकी डेंसिटी कैसी चेंज है हाँ स्लाइड चेंज है नहीं दिख रही नहीं दिख, दिख रही, रही है वाली दिख रही है अच्छा रुको अब दिखी अब दिखी क्या यस ओके सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज हां बोलो आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज के जो स्प्रिंगवुड है इट इज लाइटर इन कलर और जो ऑटम वुड है वो कैसा है इट इज डार्कर इन कलर स्प्रिंग वुड की डेंसिटी कम है क्योंकि ल्यूमन वाइड था ना लेकिन ऑटम वुड की डेंसिटी कैसी है हायर है इतना समझ में आया आपको यस और ठीक है अच्छा मुझे ये बताओ yes. कि आपको अगर फर्नीचर बनाना है तो आप कैसी डेंसिटी का वुड चूज करोगे लोअर डेंसिटी या हायर डेंसिटी हायर हायर डेंसिटी वाला ऑटम वुड ऑटम वुड चूज करोगे ना अच्छा अब एक और बात समझो यस मैम हाँ अब देखो एक मौसम में स्प्रिंग और ऑटम कितनी बार आएगा एक बार आएगा ना है ना तो एक इन वन ईयर इन वन ईयर यू विल हैव वन स्प्रिंग एंड यू विल हैव वन ऑटम तो वैसे देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि आप ट्री की एज बता सकते हो कैम्बियल रिंग्स देख के तो यहाँ पे क्या हुआ सपोज ये आपका ट्री का लॉग है ठीक है उसका आ, ट्रंक है तो इसमें बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होगी इस तरह की तो सपोज आ, ये मेरा ट्री का लॉग है तो ये जो डार्क मुझे दिख रहा है वो क्या है वो ऑटम वुड है और उसके ऊपर एक लाइटर रिंग होगी वुड की तो वो लाइटर रिंग में आ, लाइट ब्लू कलर से दिखा देती हूँ आपको और उसकी विथ भी ज्यादा कर देती हूँ तो ये जो डार्क है अरे रुको रुको ये तो तो इसके ऊपर ही बन गए। तो जो डार्क है वो ऑटम वुड है उसके ऊपर स्प्रिंग वुड है अगेन ये ऑटम वुड है इसके ऊपर स्प्रिंग वुड ऑटम वुड स्प्रिंग वुड तो अब ये वाला जो पर्टिकुलर ट्री है आप देखोगे यहाँ पे तीन एनुअल रिंग्स बनी है तो इसकी एज कितने साल हो गई वॉट इज द एज ऑफ द ट्री मुझे बताइए वॉट इज एज ऑफ इट इज थ्री इयर्स क्योंकि यहाँ पे तीन कॉन्सेंट्रिक रिंग है अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको लाइट और डार्क मिला के एक ही गिनना है है ना क्योंकि लाइट वाला स्प्रिंग है डार्क वाला ऑटम है पर वो लाइट और डार्क दोनों मिला के वन ईयर गिनना है आपको सो दिस इज वन ईयर सो दिस इज टूगेदर वन ईयर फिर दिस इज टूगेदर वन ईयर तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तो एनुअल रिंग का कंसेप्ट क्लियर है आपको दिमाग में ओके देन आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड मुझे बताना नेक्स्ट स्लाइड दिखी या नहीं दिखी नेक्स्ट स्लाइड दिखी दिखी यस yes, मैम अब मैंने आपको ना तीन तरह के दो तरह के क्लासिफिकेशन बता दिए हैं मैंने बताया कि केम्बियम सेकेंडरी से जाइलम सेकेंडरी फ्लोयम बना फिर मैंने ये बताया कि केम्बियल की एक्टिविटी स्प्रिंग में ज्यादा थी ऑटम में कम थी तो उसकी वजह से स्प्रिंग वुड या तो अर्ली वुड और ऑटम वुड या तो लेट वुड बना है ना अब मैं आपको और एक क्लासिफिकेशन बताने जा रही हूं कि दो तरह के वुड हो सकते हैं एक है वुड और दूसरा है सैप वुड तो हार्टवुड का मतलब क्या है पहले ये देख लेते हैं तो देखो जब ट्री बहुत मेच्योर हो जाता है बहुत बुढ़ा हो जाता है तब क्या होता है तब इन ओल्ड ट्रीज ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन क्योंकि जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम बना और वो बुढ़ा होता गया तो उसके अंदर ना वो बहुत सारी चीजों को डिपॉजिट करता जाता है कौन सी कौन सी चीजें डिपॉजिट करता है इट बिकम्स डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन रेजिल ऑयल गोमैटिक सबस्टेंसेज एंड इसल ऑइल तो देखो फिर से हम यहाँ पे ध्यान देते हैं ये था मेरा स्टेम या तो अब मैं इसको स्टेम नहीं बोलूंगी अब मैं इसको क्या बोलूंगी ट्रंक बोलूंगी समझो ये था मेरा कैम्बियल रिंग अब ये येम रिंग ने यहाँ इतना सारा जाइलम बनाया है अंदर ठीक है अब ये जो जाइलम था यहाँ बहुत सारी चीजें डिपॉजिट हो गई जैसे मैं ब्लू कलर से डिपोजिशन बताती हूँ क्या क्या डिपोजिट हुआ आप बताओ क्या क्या डिपोजिट रेजेंटिक सबस्टांसिस एंड असेंशियल ऑयल्स तो ये सारी चीजों की डिपोजिशन की वजह से ये जो वुड है कौन सा वाला वुड अंदर की तरफ वाला वुड बाहर वाला नहीं अंदर वाला वुड ये कैसा हो गया हार्ड ड्यूरेबल टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट तो क्योंकि इसके अंदर इतना सारा डिपॉजिट हुआ है कोई भी इंसेक्ट इसको खा नहीं पाएगा इसमें टर्माइट को हिंदी में क्या बोलते हैं दीमक दीमक नहीं लग पाएगी इसमें तो इस तरह का जो वुड है जो सेंटर में होता है उसको आप बोलेंगे हार्ट वुड और ये हार्ट वुड फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है और ऊपर से वो कुछ काम भी नहीं करता है ट्री में इट डज नॉट कंडक्ट वॉटर कैसे वॉटर कंडक्ट करेगा वॉटर कंडक्शन के लिए अंदर का जो ल्यूमन है वो फ्री होना चाहिए ना यहाँ तो ल्यूमन में बहुत कुछ डिपॉजिट कर दिया है तो ये वाला जो जाइलम है इट डज नॉट कंडक्ट वॉटर वॉटर कंडक्ट नहीं करता है तो क्या काम है इसका इट गिवस मैकेनिकल सपोर्ट टू दस मैम तो जब oh, sure. हम फर्नीचर बनाते हैं तो हम कौन सा वाला वुड ढूंढेंगे वुड ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे ठीक है सो दैट इज अबाउट वुड अब वुड क्या होता है ये देखो द पेरिफरल रीजियन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम स्लाइड दिख रही है ना सैपवुड वाली यस yes. हाँ तो यहाँ पे जो पेरिफेरल रीजन है वो कैसा है इट इज लाइटर इन कलर दिस इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर इन मिनरल्स क्योंकि यहाँ पे टैनिन रेजिन ये सारी चीजें डिपॉजिट नहीं हुई है तो इसको बोलेंगे सैपवुड क्या बोलेंगे सैपवुड अब मैं आपको इमेजेस दिखा देती हूँ आखोदी तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है देखिए हार्टवुड और सेपववुड बहुत क्लियरली दिख रहा है फिर से मुझे बताओ हा हार्टवुड किसका बना हुआ है बच्चों ये हार्टवुड जो है ये किसका बना हुआ है ये वाला जो हार्टवुड आपको दिख रहा है देखो फिर से एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना अगर भूल हो तो मैं फिर से बता देती हूँ ये था आपका स्टेम ओहो हो, गजब का स्टेम बनाया मैंने ये था आपका स्टेम ठीक है अब इसके अंदर मैं बना रही हूं जाइलम इससे बनाती हूँ